हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास टू है, तो दोस्तों मैथमेटिक्स का मॉडल सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। जो दोस्तों 2023 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर दोस्तों जो भी स्टूडेंट 2022 में भी अगर दोस्तों कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले, दोनों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो समझिए आप लोग इस वीडियो में मॉडल सेट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप पर लगातार बोर्ड एग्जाम है यार। पैटर्न नहीं बता रहा, पैटर्न यही ऑब्जेक्टिव पूछ का एकदम इजी वाला, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बनाना, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर ले यार, क्योंकि हम आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे दोस्तों। साथ में आपको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टाइप पर आते ही रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोग को दोस्तों पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पैटर्न वही है, आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बनाना, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों 9142-5134 पर आप लोग को मैसेज करना है। ये मत सोचना कि सॉल्यूशन के साथ मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा यार तो आप लोग समझ भी नहीं करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, अपने सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता वो उसका फोटो भेज दीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है यदि एफ बराबर, ठीक है, ये दोस्तों पहला चैप्टर सभी को बोरिंग लगता है, मुझे पता दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना, इस चैप्टर से एक दो ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्टिव पूछे थे, एक से दो ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं, तो इससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना। चलिए यदि एफ एक्स बराबर दोस्तों एफ एक्स टू दोस्तों ए और बराबर में एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो यहाँ पर देख सकते हो फॉरन दिया गया है दोस्तों एच एच टू बी, ठीक है ना। तो इसका आप लोग का जो एकाएक हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग को सोचना है एकाएक होगा क्यों होगा, ये सब आप लोग को ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर ये चैप्टर आप लोग पूरा गहराई में पढ़ोगे तो ये आप लोग को समझ में आने लगेगा क्यों एकाएक है, ठीक है ना। इसमें आप लोग को समझाना दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग इसके साथ सोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बात को समझिए डियर, आप लोग यहाँ सब समझिए कि आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया डियर कि साइन इनवर्स रूट 3/2 किसका मुख्य मान है। तो सभी स्टूडेंट सोचते होंगे यार किसको कैसे बनाए, तो मुझे तो पता रूट 3/2 का मान जो होता है दोस्तों साइन 60 डिग्री यानी कि पाई बटा 3 होता है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। लेकिन ये दोस्तों सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स इधर दिया गया तो कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन पाई बाई 3 यानी कि दोस्तों 60 डिग्री। कुछ स्टूडेंट पाई बाई 3 को नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को मैंने एक सूत्र बता दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स टू एक्स के इक्वल। तो यहाँ ध्यान देना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है एक्स के इक्वल, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र होता है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सेकंड का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहेंगे, मॉडल सेट को समझिए, एकदम ब्यौरा आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों किस्मत है जो इतना जल्दी आप लोग को मॉडल सेट देखने को मिल रहा, नहीं तो दोस्तों लगातार 2 साल तक कंपार्टमेंटल परीक्षा हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो आप लोग समझिए, आप लोगों को भी दोस्तों 2023 वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि गर्दा उड़ाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो कहा गया है कि टैन इनवर्स एक्स का मान कितना होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोग को दोस्तों ये सभी सूत्र आप लोग को दे रखा हूँ। चलिए, इसका सूत्र होता है टैन इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है कोट इनवर्स एंगल में होता है डियर, ध्यान रखना एंगल वाला नीचे जाता है, ये वाला नहीं। चलिए बिल्कुल, देखिए टैन इनवर्स जो होता है दोस्तों टैन इनवर्स एक्स, ये होता है कोट इनवर्स 1/x, एंगल के दोस्तों विपरीत होता है, ना कि दोस्तों स्वयं हो जाता है। ये बी नंबर का ऑप्शन को नहीं चूज करना, सी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। कोट इनवर्स 1/x होता है, 1/x होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये सूत्र था तो मुझे पता है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे दोस्तों चक्रीय सारणी कहते हैं, इसका मान दोस्तों फिक्स होता है। आप लोग सोचेंगे क्या सर जी आप रटवा रहे, लेकिन नहीं डियर, मैं आप लोग को रटवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे दोस्तों कई बार आप लोग को क्वेश्चन को सोल्यूशन करा चुका हूँ। आने वाले समय में सब्जेक्टिव के रूप में भी सोल्यूशन करूंगा, इसको कैसे सोल्यूशन करना होता है इसको आप लोग को समझना होगा, R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, R3 क्या होता है। तो डियर ध्यान देंगे, एक मीनान से समझेंगे, क्या एक मीनान से एकदम बेहतरीन तरीके से, ये आप लोग का R1 हुआ,
ये R2 हुआ और ये दोस्तों R3 हुआ, ठीक है ना। और ये आप लोग का C1 हुआ और ये आप लोग का C2 हुआ, एकदम बोरिंग नहीं करना, ये आप लोग का C3 हुआ। चलिए क्लियर हो गया। तो ये आप लोग का जो होता है ना डियर, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। क्या कर सकते हो, R1 दोस्तों जो घटा सकते हो, R1 - R2 कर सकते हो। अर्थात दोस्तों मैं कहने का मतलब क्या मेरा है, एक में से एक जाएगा X - Y, X² - Y आएगा। इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो बना बनाया आंसर आएगा X - Y, Y - Z, Z - X आएगा इसका आंसर। आप लोग देखिए ए नंबर ए ऑप्शन तो होगा नहीं, प्लस इसमें आ गया। चलिए बी नंबर भी नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस दोनों आ गया है। चलिए सी नंबर तो यार कभी होगा नहीं, डी नंबर होगा। देखिए X - Y, Y - Z और Z - X होना चाहिए था। आप लोग देख पा रहे सर गलत बता दें, यहाँ पर एक्स नहीं है तो सर का गलती नहीं यार, ये आप लोग का टाइपिंग करने वाले की गलती है यार। इसका जो राइट आंसर होगा X - Y, Y - Z, Z - X होता है, क्योंकि दोस्तों ये चक्रीय सारणी का, चक्रीय सारणी का मान इसी प्रकार आता है। क्या आता है ध्यान ना, X - Y, Y - Z, Z - X किस रूप में रहेगा, तो A1 1 1 दोस्तों A B C A² B² C² का रूप रहेगा। यहाँ पर आप लोग का X के रूप में दे दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, आप लोग तो दोस्तों तहलका मचा दोगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइपिंग में होता है गलती। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग का एक्स का वैल्यू पुटअप करना है, क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है आप लोगों को। चलिए चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों 2x है, तो x का बल के यार चोरी करो ना, चोरी करने में क्या रहता है, आप लोग करें सर चोरी करना सिखा रहे थे कि कैसे चोरी करते हैं। हमें x का मान निकालना है, तो पहले तो y का मान जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2x - y है, तो y का वैल्यू दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे। y का मान दोस्तों आएगा -2, क्या आएगा -2 आएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं डियर ताकि आप लोग को बेहतरीन दिखे। चलिए देखिए मैं इसको कैसे सोल्यूशन करूँगा, 2x - y, तो y की जगह आप लोगों को पता ही होंगे क्या मुझे मिला है, y की जगह, तो y की जगह -2 मुझे मिल रहा है। ये दोस्तों एलिमेंट है दोस्तों y का, ये इसको से तुलना करता है, जब इसको से तुलना करता है तो y का वैल्यू यहाँ रख देंगे यार तो बेहतर होगा। चलिए -y 2 दिया गया -y का वैल्यू, ठीक है ना, y का वैल्यू -2 दिया गया। चलिए और दोस्तों 2x - y 2x - y = 6 दोस्तों, एंगल को एंगल से तुलना करते, इसको इससे तुलना करते, ठीक है ना। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचेगा, 2x प्लस हो जाएंगे -, -, बराबर दोस्तों 6 हो जाएंगे। तो 2x बराबर दोस्तों आप लोग को क्या देंगे, उधर जाएंगे तो 6 - 4 यानी कि दोस्तों यानी कि 2x = 4 प्राप्त हो गए। तो 2x = 4 प्राप्त हुए, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोग देख पाएंगे यार कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, अब क्या करें, क्या गलती मैंने किया, तो एक बार देख लेते हैं क्या मैंने अपन ने आप लोग को क्या गलती किया। चलिए देखिए कुछ दोस्तों गड़बड़ हुआ, चलिए देख लेते हैं क्या गड़बड़। दोस्तों देखिए 2x है दोस्तों, 2x - y का वैल्यू मैंने दोस्तों -2 रख दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। और बराबर में दोस्तों 6 लिखेंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू पूछा आता है। चलिए 2x तो लिखेंगे और बराबर में दोस्तों ये -, -, मिलकर के प्लस हो जाएंगे, और जब प्लस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट तो ये दोस्तों उस तरफ जाएगा, तो ये दोस्तों 4 हो जाएंगे। और x का वैल्यू तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2 ही आ रहा है, जो कि यार कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, 2x - y दिया गया है, तो 2x - y तो लिख देंगे यार, लेकिन यहाँ पर 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू पुटअप करेंगे तब मान निकलेगा, और जब y का वैल्यू पुटअप करेंगे तो +2 ही हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। अब +2 दोस्तों उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे। और x का वैल्यू तो मेरे हिसाब से यार 2 ही आ रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग यार सोचो y का तो मैं बार मान पूछा, ओनली x का मान पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो या तो ऑप्शन में किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि मैंने आप लोग को एक ऑप्शन पहले से ऑलरेडी गलत दिखा चुका हूँ। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं यार, आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीख लो ना, आंसर आए या ना आए दोस्तों ये आप लोग को छापने वाले की गलती है, मैं तो यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार, तो ये तो आप लोग का सूत्र पूछ देगा, और इस टाइप का लगातार सूत्र बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये इतिहास रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा। चलिए ये आप लोग को सेंट अप का एग्जाम होगा दोस्तों, और ये आप लोग का कंपार्टमेंटल का एग्जाम, ये सभी के लिए दोस्तों क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए 1/1 - x² होता है साइन इनवर्स x का दोस्तों, क्या डिफ्रेंसिएशन, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए। चलिए
देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन, या इसका तो वैल्यू होता है पाई बाय टू, कितना होता है इसका वैल्यू, कितना होता है पाई बाय टू होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाना स्टूडेंट महा गलती आंसर दिया है, क्योंकि यार आप लोग को पता है इतना का मान दोस्तों पाई बाय टू होता है, क्या होता है पाई बाय टू होता है। आप लोग सोचेंगे फिर भी गलत क्यों बोल रहे हैं सर, मुझे तो पता है पाई बाय टू होता है, आपको भी पता है तो गलत क्यों बोले। लेकिन डी आर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दिया गया है, डिफ्रेंसिएशन पाई बाय टू, अब पाई बाय टू कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन शून्य होता है। अब आप लोग सोचते हैं कॉन्स्टेंट राशि क्या आप लोग सर बोल रहे हो, आप लोग मुझे समझ नहीं है कॉन्स्टेंट क्या है। तो माई डियर पाई बाय टू है जो एक से ताल्लुक नहीं रख रहा है, अर्थात माय डियर स्टूडेंट इसमें भी एक्स रहता, अगर इसमें एक्स रहता तो पाई बाय टू बाहर चला जाता, ठीक है ना। लेकिन एक्स इसमें नहीं है माय डियर, पाई बाय टू में कहीं पर एक्स नहीं दिख रहा, इसलिए इससे तुलना नहीं कर सकता, इससे यह मुकाबला करने की क्षमता ही नहीं है। सो डियर इसका जीरो हो जाएंगे, मुझे पता है मेरा अंदाजा आप लोग को समझ में आ रहा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल लगा ही देंगे। चलिए तालका नहीं तालका दोस्तों आ जाएगा, चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, यार ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये सात भी हो गया। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, ये चैन रूल पर बनेगा, ठीक है ना, क्या दोस्तों चैन रूल पर बनेगा। यार चैन रूल क्या है तो ध्यान देना, ये आप लोगों को डियर क्या हो जाएंगे तो ये आप लोग को ध्यान से समझेंगे आप लोग एकदम बिल्कुल। चलिए डी लिखेंगे डियर, यहाँ से साइन एक्स क्यू लिखेंगे, एक्स क्यू देखो इस, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, डी साइन एक्स क्यू को दोस्तों किस रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में आप कलन कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर दोस्तों डी एक्स क्यू होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इस प्रकार से आप कलन। और आप लोगों को पता है साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है प्लस का कॉस एक्स क्यू होता है, क्या होता है प्लस का कॉस एक्स क्यू। तो आप लोग का एक्स क्यू दिया था तो एक्स क्यू मैंने लिखा, और आप लोग को पता है एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर था, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यू बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो बिल्कुल तहलका मचा दिए। थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यू बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचाएंगे आप लोग, एकदम धुरी धुरी उड़ा देंगे डियर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए, चलिए अच्छी बात है। चलिए अपन देखेंगे नाइन नंबर क्वेश्चन डियर, तो ये भी आप लोग का चैनल से क्वेश्चन 2022 में पूछा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो टैन स्क्वायर दिया गया, यार मैंने आप लोग को बोला है ये दोस्तों तो बांधता है चैन रूल से बांधता है, चैन रूल का मतलब दोस्तों आप लोग समझ ही नहीं होंगे श्रृंखला नियम से। तो ये आप लोग का एक्स के पावर एन का मैंने आप लोग को सूत्र दे रखा है डियर, क्या दे रखा है तो आप लोग जानते होंगे एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि दोस्तों दो पावर में से एक पावर घटेगा दो आगे चला जाएगा। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे डी टैन स्क्वायर डी टैन एक्स डी टैन एक्स बाय डी एक्स, तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, ये टू दोस्तों जो आगे चला जाता है इसमें से एक पावर घट जाता है, यानी कि दोस्तों टू के पावर एक्स हो गए, ठीक है। और टैन का इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार करते हैं तो सेक स्क्वायर, आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आएगा मैं टैन स्क्वायर लिखा तो टैन फिर से क्यों लिख जाए, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने फिर से टैन क्यों लिखा ये आप लोग सोचेंगे जी दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सोचिए क्योंकि टैन स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का दोस्त कौन है टैन है, इसलिए यहाँ पर टैन लिखा है, इसलिए श्रृंखला नियम को मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। चलिए टू टैन एक्स एक स्क्वायर एक्स कौन सा ऑप्शन में दिया गया, टू टैन एक्स एक स्क्वायर एक्स बिल्कुल डी नंबर में दिख रहा है। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो और ही बेहतर की बात है, आप लोग यार कमेंट करके बताना जिस नंबर की मैं बात किया हूं, इस नंबर पर आप लोग दोस्तों यार कमेंट करके बताना कि मुझे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोग को यार खड़ा हूं आपके लिए। चलिए 91 52 54 पर आप लोग को मैसेज कर देना। चलिए चलिए बिल्कुल समझ में आएगा डियर, क्योंकि मैं आप लोग को दिलासा दिलाता हूं, बिल्कुल ट्वेल्थ में आप लोग तहलका मचा दोगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि 1 dx का समाकलन कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे, तो 1 का दोस्तों आप लोग को पता है समाकलन x होता है, इसमें कॉन्स्टेंट c जोड़ देते हैं तो x प्लस c हो देंगे। कुछ स्टूडेंट डी नंबर बी नंबर ऑप्शन लगा के एकदम शोर मचा देंगे, लेकिन वहां गलती है, ये आप लोग को पता है 1 dx का समाकलन जो होता है वो x होता है x, तो x प्लस c, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे। देखो c या दोस्तों k रहे दोनों बात बराबर, दोनों का मतलब कॉन्स्टेंट ही होता है। सोडियर ए नंबर अगर आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल तहलका नहीं धुरी उड़ा रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचेगा जब आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है ना कि dx बटा रूट एक्स, इसका आप लोग को डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को कई बार यार बतला चुका हूँ, तो इसमें यार क्या बतलाने की जरूरत है, x के पावर दोस्तों इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकता है माइनस हाफ बाई टू,
ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों नीचे का पावर 1/2 था, ऊपर गया माइनस हाफ बाई टू हो गया। ये आप लोगों को पता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा है। और आप लोगों को पता है दोस्तों समाकलन में जो होता है उसके पावर में एक जोड़ते हैं माइनस 1/2 + 1 और नीचे दोस्तों उसको पटकते हैं, तो आप लोगों को पता है इसको दोस्तों 1/2 प्राप्त हुआ है, यहाँ से आप लोगों का डेढ़ प्राप्त हुआ। और आप लोगों को पता है 1/x/2 को नीचे ला करके वो दोस्तों रूट में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर देंगे। क्या देंगे? बी नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तालका मचा दिए हैं। देखिए एकदम टेंशन नहीं लेना, एक ही क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में आएंगे। यही क्वेश्चन देखना सेंटर पे एग्जाम 2022 में छप गया है क्वेश्चन। आप लोग कह रहे हैं सर जी क्या आप भी बात ला रहे हैं कि 2022 में छप भी गया, तो बिल्कुल डियर हो सकता है ये क्वेश्चन हो बहू एकदम सेम टू सेम 2022 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2022 सेंटर एग्जाम का दिन लिख दीजिए। मैं दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ डियर, आप लोग को ग्रुप में डाल दिया हूँ कि आप लोग का डेट आ गया दोस्तों कंपार्टमेंटल एग्जाम का, ठीक है ना, 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मैंने बोला था दोस्तों अप्रैल का लास्ट तक आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल हुआ भी ऐसा। अब आप लोग सोचेंगे स्कूटनी का रिजल्ट तब तो बहुत देर हो जाएगा यार, स्कूटनी का रिजल्ट 25 से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैट्रिक वाला का थोड़ा देर हो सकता है, एग्जाम के बाद है स्कूटनी का, ठीक है ना। चलिए कंपार्टमेंटल वाला, चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल दोस्तों आप लोग तहलका मचा दें, एकदम बिल्कुल बी नंबर ही होगा। चलिए एकदम छाप लीजिए यही क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए दोस्तों 12 नंबर, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, इसमें तो यार कुछ नहीं करना, dx/1 + cos x लिख देना है। यह इसका सूत्र होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा 1 + cos x का सूत्र, इसका जो होता है 2 cos² x/2 होता है। ये आप लोग को कई बार बता चुका हूँ 2 cos² x/2। और जब ऐसा होवे करता दोस्तों तो हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 को पहले दोस्तों बाहर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये कहो क्या था, cos XY2 था, तो इसको हम लोग पटलाट देंगे, sec² x/2 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बतलाया डियर 1/cos² x/2 था ना, हाँ ये था, तो यार इसको हम लोग पलट करके sec² x/2 कर लेंगे, ठीक है ना, sec² x/2। और 1/2 ये दोस्तों तो आप लोग को पता ही होगा आ गया 1/2, ठीक है। और यहाँ से sec² का दोस्तों tan x/2 हो जाएंगे, तो tan x/2 हो जाएंगे। और मैंने एक बात बोला tan x/2 एंगल के साथ दोस्तों भाग होता है, 1/2 से भाग हुआ। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो प्लस सी जोड़ दीजिए, tan x/2 + c, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चले एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना डियर, अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे तो मैं दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुका है। अरे यार क्या कहे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है यार, आप लोग बात को समझिए। यही सब लोग कमेंट करते हैं क्या सर लड़ेगा क्वेश्चन, अरे यार देखो आप लोग क्वेश्चन बैंक को पकड़िए, वहां देखिए लगातार इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता, आप लोग को कैसे बतलाऊं, ठीक है ना। आप लोग ये सोचो यार, मैं आप लोग को बार और बोलो इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, 2023 में पूछा जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अरे यार इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल तहलका मचा देंगे। x^5 है, समाकलन किए x^6 आ गया, बटा में 6 आ गया, ये तो आप लोग को कई बार आप लोग को बता दिया गया है, चलिए ए से लेकर के बी तक। लेकिन आप लोग को पता 1/6 को यार बाहर कर देंगे तो बेटर हुआ, ठीक है ना। तो x^2 दोस्तों क्या था, 6 था, 1/6 को बाहर कर दिया, लिमिट रख दिया ए से लेकर के बी तक। अपर लिमिट रखते हैं तो दोस्तों पहले रखते हैं बी के पावर 6 रखेंगे, अपर लिमिट b^6 और दोस्तों a^6 रखेंगे। आप लोग देखो b^6 - a^6 बाटा में 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, b^6 - a^6 बाटा में 6 बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में दिख दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल तहलका मचा दिए। चलिए अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन लगातार अपनी पहचान को बनाए हुए एकदम बिल्कुल बरकरार है, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को एकदम बिल्कुल धुर्री धुर्री कर देना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार, x^y का हल पूछा है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, तहलका मचाना है, क्या मचाना है, x^y दे यार, त्रिया गुना कर दो, तो आप लोग देखेंगे तो d/y आया सर जी, d/y आया, और यहाँ से त्रिया गुने तक किए तो xdx आया, तो
तो आप लोग देख पाएंगे एक जाति एक तरफ अर्थात लड़का लड़का धन लड़की लड़की धन है, ठीक है, एक्स एक्स दोस्तों यानी भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन आपकी सोल्यूशन करेंगे, ये आप लोग को शुद्ध बता रहे हैं, एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, ये अपन आप लोग को बता रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग अब क्या कर सकते हो, थोड़ा सेटिंग वेटिंग चलेगा, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि प्लस माइनस हो गया सर जी, यहाँ पर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगाना होगा। चलिए बाई वाटर टू इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ही जोड़ दीजिए। आप लोग अब सोच रहे हैं अब तो आंसर आया ही नहीं, अब तो बिल्कुल गलत हो गया। अरे यार पहले तो बाई को मैंने रखा, पहले यहाँ एक्स सभी में रखा हुआ है, तो पहले एक्स भी रख सकते हैं, और ये भी आंसर हुआ डियर, देखो ये मैंने लिखा ना, ये भी आंसर हुआ। ये दोस्तों जो होता है ना प्लस माइनस, देखो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दो प्लस तीन बराबर पाँच लिख सकते हो, और पाँच प्लस दो बराबर भी तीन लिख सकते हो, बात बराबर दोनों का मतलब पाँच ही होता है। उसी प्रकार दोस्तों मैंने क्या कर सकता, अपन क्या कर सकते हो, ध्यान से समझना, हम लोग ये भी कर सकते थे, पहले बाई को ला सकते थे, पहले एक्स को, तो उसी को पहले लाते, ये भी आंसर बिल्कुल आप लोग का सही है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले एक्स का लाने का, ताकि आप लोग को बिल्कुल मूड दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो। चलिए एक्स डी एक्स क्या दोस्तों, त्रिया गुना, यहाँ से आया बाई डी एक्स त्रिया गुना से। चलिए एक्स स्क्वायर बाई टू इसका आपका लन आया समाकलन, सॉरी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ से इसका बाई बाई टू आया, बाई स्क्वायर बाई टू आया, और यहाँ से प्लस सी जोड़ दिए। तो आप लोग अब सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई टू बाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर बाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अपन अभी क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बाई स्क्वायर बाई टू, उन्होंने प्लस में था दोस्तों, इस तरफ प्लस में था, इस तरफ आया तो माइनस में आ गया। आप लोग सोच ही नहीं होंगे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका त्रिया गुना इससे हुआ था, फोर सी होगा, फोर सी भी दोस्तों कॉन्स्टेंट ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर बाई के, यानी कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बी नंबर लगा रहे थे, बिल्कुल आप लोग का सही हो गया। देखिए कुछ स्टूडेंट को यार थोड़ा सा बोरिंग लगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अरे यार होता है ये सब क्वेश्चन, इतना ही जी हल वाला क्वेश्चन है, रेगुलर क्लास कीजिएगा तो आप भी कहेगा ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इसमें बिल्कुल आप लोग तहलका मचा देंगे। चलिए बिल्कुल बे नंबर होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग का दोस्तों क्या बोला है, समाकलन गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की बात बोला है, और पी का वैल्यू दोस्तों आप लोग का से का स्क्वायर देगा, ये पी का ही वैल्यू होता है, ठीक है ना, पी का वैल्यू होता है, और इसका दोस्तों एक सूत्र होता है ई के ऊपर पी डी एक्स होता है, ई के ऊपर पी डी एक्स होता है, तो पी हुआ पी का वैल्यू से का स्क्वायर एक्स आया, ई के ऊपर पी से का स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स होता है, तो ई के ऊपर टेन एक्स आया, ई का पावर टेन एक्स देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ई का पावर टेन एक्स बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यार ये पी का वैल्यू है इसका, ई का पावर पी डी एक्स सूत्र होता है, पी का वैल्यू आप लोग को पता है दोस्तों टेन एक्स से का स्क्वायर एक्स दिया गया है, से का दोस्तों टेन एक्स होता है, ई का पावर टेन एक्स आ गया। चलिए ई का पावर टेन एक्स बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। आप लोग कमेंट जरूर करके बात लेना डी आएगा, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ बिल्कुल आप लोग को समझ में आए। चलिए चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यार इसमें क्या कर रहा है, अवकल समीकरण दिया, घात निकालना है, तो सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ है, तो सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन दोस्तों यहाँ पर आप लोग का डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ है, तो इसी के घात को देखेंगे, तो इसी का घात दोस्तों कुछ नहीं तो वन है, इसका घात कुछ नहीं तो यार जाहिर सी बात वन है, इसका कुछ नहीं घात तो वन है ना, सबसे डिफ्रेंसिएशन दो बार हुआ है, और उसी के घात को देखते हैं तो इसका घात वन है, तो इसीलिए ए नंबर आप लोग का सही हो गया। अब देखिए कोटि का भी दोस्तों फंडा क्लियर कर लीजिए, सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन कितनी बार, दो बार हुआ, तो इसका कोटि दो हो गया। देखिए जो सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन होगा उसी को कोटि कहेंगे, सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन होगा उसी को कोटि कहेंगे, और घात उसी को कहेंगे जिसका सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन हुआ। इसमें घात की बात करें तो इसका घात वन है और कोटि दो है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन यार, तो आप लोग को स्थिति सदिश आप लोग को 20 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक्स बाई तो देखिए आए आए जे के, तो जे के तो जे आप लोग का जीरो है, तो देखिए जे कौन में नहीं दिया गया, तो इसमें देखिए आई जे जे किस में नहीं दिया गया, जिसमें नहीं दिया गया वो सही हो जाएगा। चलिए इसमें जे दे दिया नहीं है, चलिए इसमें भी जे दे दिया नहीं है, चलिए इसमें दिया गया, चलिए आई प्लस थ्री के, चलिए अब आप लोग को मिलाना है टू के वाला सही होगा, क्योंकि थ्री के नहीं है इसमें, देखिए थ्री नहीं है इसमें, तो यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जे नहीं है, क्योंकि जो जे यहाँ पर जीरो दिया गया, इसमें तो दोस्तों जे नहीं दिया लेकिन तीन नहीं यहाँ पर दो है, तो इसलिए दो यहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 19 नंबर में देखेंगे, तो मापांक निकालना है, 7 का स्क्वायर प्लस दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 प्लस यहाँ पर चार प्लस वन, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो रुट 4 रुट 54 आ गया, रुट 54 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया,
55 आएगा जोड़िए तो नहीं, देखे जो कि देखिए जोड़ के 4 4 4 55 सॉरी 54 ही आएगा। तो 54 और 54 कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग अब सोचेंगे सर गलत हो गया, नहीं जी गलत नहीं हुआ, आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल बनेगा। चलिए बताइए, देखो रूट 54 को हम लोग तोड़ के देखते हैं, हो सकता है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, रूट 54 को 18 × 3, तो आप लोग को पता है इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं इससे, देखिए ना 3 × 3 3 3 9, या तो दोस्तों 6 9 3 3 × 3 दोस्तों 3 × 3 3 × देखिए 3 × 3 × 6 3 3 9 9 6 54 जोड़ा बाहर होता है तो रूट 6, तो बिल्कुल आगे आप लोग का राइट आंसर। जोड़ा बाहर होता है तो रूट थ्री किए 3 3 9 9 6 54 और जोड़ा बाहर आएगा रूट थ्री बाहर तो √6, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे डीआर, तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन में, तो यार यहाँ पर निकालने को बोल रहा है, क्या निकालने का, PQ, और PQ जो निकालता है दोस्तों OQ - OP से निकालता है, OQ - OP से निकालता है, OQ - OP से, तो 5 में से दोस्तों 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3i लिख दिए, ठीक है ना। चलिए 4 में से 3 जाएगा तो +i बचेगा, चलिए i j, ये दोस्तों j होगा, ये +j आया, और ये दोस्तों 3 - 1 जाएगा तो 3 में से -1 को घटाए, 3 - 1 घटाएंगे, 3 - -4 3 में से -4 को घटाना है, 3 - मिल जाएगा प्लस हो जाएगा डियर, तो 3 - क्या 3 में से कितना घटाना, -3 में से दोस्तों 4 को घटाना, तो -3 मिल करके प्लस बन जाएगा, और दोस्तों आप लोगों को पता है इतना को जोड़ेंगे तो प्लस बनेगा, यानी कि किया गया। चलिए 3i + j + k देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, 3j + j देखिए कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यार, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया यार, टाइपिंग करने वाला या तो दोस्तों उसको नींद आ रहा होगा, ठीक है ना, हो सकता है कि वो उससे गलती टाइप हो गया यार। इसका राइट आंसर बिल्कुल यही होगा जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन किया है, 3i j + k यही इसका राइट आंसर होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया यार, कुछ नहीं करना, इसको इसमें से घटाना, इसको इसमें से घटाना, इसको इसमें से घटाना है, घटा कर देख लीजिए बिल्कुल डी नंबर यहाँ ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सर नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरा आंसर तो आया दोस्तों 3i आया है +j आया है +k आया, तीनों प्लस का ही आया, तो कोई ऑप्शन में तीनों प्लस का नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, तो डी नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। चलिए देखिए कार्य समय में देखेंगे तो अधिश गुणनफल निकालने का है यार, इसमें आप लोगों को इससे इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 5 3i को 15 दोस्तों माइनस, देखिए ध्यान से देना, 5 3i को 15 हुआ यार, ये i और -4 तो ये दोस्तों -4 हुआ, ठीक है ना। चलिए माइनस इसको इससे गुना किया तो -21 आया, अरे -1 मिल करके बन गया प्लस, तो 15 - 25 हुआ तो मिल गया -10। देखिए कौन सा ऑप्शन ने दिया, -10 देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ने दिया गया, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन ने दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन ने दिया गया ऑलमोस्ट स्टूडेंट, चले बिल्कुल बी नंबर ही होगा। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना, एडजस्ट गुणनफल की बात कर रहा था, यह तहलका मचा दे। चलिए a.b दिया गया तो जाहिर सी बात इसमें अब लंब होगा, पहले चले परपेंडिकुलर बिल्कुल 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 ये स्टूडेंट बिल्कुल ये नंबर ही होगा, क्योंकि ए परपेंडिकुलर बी होगा, क्योंकि दोस्तों a.b दिया गया 0 दिया गया तो ए परपेंडिकुलर दोस्तों बी होगा, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग का दोस्तों डायरेक्ट सूत्र है जिससे आप लोग ध्यान रख सकते हो, इससे दोस्तों थ्योरी बनाने में दोस्तों आसान होता है। चलिए i.j दिया गया तो इसका 0 हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों सेम से में डॉट प्रोडक्ट, देखिए सेम से में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन दोस्तों असमान है अलग अलग रहे, i.k रहेगा ये सभी का 0 हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, लेकिन सेम सेम के लिए 1 हो जाता है, तो दोस्तों अलग अलग दिया गया इसीलिए इसका ए नंबर हो जाएगा 0। चलिए देखिए k करो j दिया गया तो इसका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा, देखिए i ये हो गया j और ये हो गया k, तो देखो k×j बोल रहा है तो k×j उल्टा चल रहा है, k×j तो -i होगा यार, -i बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल डी नंबर होगा। देखिए कैसे जो देखिए आप लोग को बताते कैसे हुआ, ये आप लोग सोच रहे यार कैसे कर दें सर, आप लोग एक बार समझा दीजिए, देखिए ये आप लोग का i है ना, ये आप लोग का j है, देखो देखो किस तरह से जा रहा फीता, i j हुआ ये और ये k हुआ, ठीक है ना, इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से जा रहा है, तो समझिए तो k×j दे दिया, यानी कि उल्टा दे दिया, देखिए तो कि तीर इस तरफ का लेकिन उल्टा दे दिया, इसलिए -i आएगा, तो -i बिल्कुल सॉरी डी नंबर में दिया गया है, तो डी नंबर बिल्कुल सही है।
चले ए डॉट ए तो ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये आप लोग का 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन मुझे याद है बिल्कुल। चलिए चले बिल्कुल सी नंबर ही होगा। चले बाई एक्स की को जब पूछा तो एक्स बाई बाई दो बार में आया तो बिल्कुल सी नंबर होगा, बीच में जीरो। अगर जेड पूछता तो 001 होता, अगर एक्स पूछता तो 100 हो जाता, तो बिल्कुल सी नंबर होगा, बिल्कुल सी नंबर डियर, बिल्कुल तालका मच गया। चलिए 27 नंबर में देखेंगे यार, धिक अनुपात की बात किया यार, इसमें सोचने की बात नहीं है। धिक अनुपात दोस्तों जो होता है एक्स टू माइनस बाई टू बाई टू, मान देखिए इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से, इसको से इसमें से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई जे टू माइनस जे टू वन, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर में देखेंगे डीएसटी, तो बिंदु वो इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का दोस्तों एक नियामक क्या है। देखिए इसको थोड़ा दोस्तों सोल्यूशन करेंगे तो लंबा वगैरह हो जाता है, तो इसको दोस्तों सोल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा समझ सकते हैं डियर, यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन करने में दिक्कत होता है। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया, दो सरल रेखाएं कि दिक को जाए एल वन एम वन एन वन है और एल टू एम टू एन टू, उनके बीच का कोण क्या होगा। तो आप लोग को ये बात ला रहा है डियर, पहले का भी क्लास देखे, प्रीवियस ईयर का, पिछले वर्ष का, एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिया है। चलिए इसका जो होता है डियर एल वन इंटू एल टू होता है प्लस एम वन इंटू एम टू होता है प्लस एन वन इंटू एन टू होता है। ये जो होता है दोस्तों सूत्र होता है किसके लिए होता है, दो सरल रेखाओं के लिए दोस्तों, दिक जिसका थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये आप लोग को 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर, तो दिक अनुपात पूछा है यार, तो 7 हो जाएंगे, देखना क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएंगे, माइनस का ये 4 है, ठीक है ना, ये माइनस का 2 हो जाएंगे, प्लस 5 नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों ये कॉन्स्टेंट कह सकते हैं उसको, दोस्तों एक्स बाई जेड के गुणा को हम लोग दोस्तों दिक अनुपात बोलते हैं, तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन या लगातार बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल अपने छाप को छोड़ रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलिए ये पर ये सब क्वेश्चन देखेंगे, तो समानांतर की बात किया, तो आप लोग को समानांतर के लिए इसको इससे तुलना, इसको इससे तुलना, इसको इससे तुलना करना है, तो दोस्तों ए एल हो जाएंगे, देखना ध्यान देना ए एल हो जाएंगे, इसको इससे करेंगे तो ए एल हो जाएंगे, ठीक है ना, ए एल हो गए। चलिए एम दोस्तों सी हो जाएंगे, एम सॉरी रुको रुको एम सी ना हो जाएगा, एम बी, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, हाँ सॉरी बी से ना होगा यार, बी से होगा, एम बी हो गया, ये एन और एन सी हो गया, एन सी, ठीक है ना, एन सी, तो एन सी से हो गया, तुलना कर दे, समानांतर होने के लिए ऐसा होता है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए दोस्तों कितना नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर, परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब होने के लिए ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल डी सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल, चलिए देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग के लिए दिया गया 34 नंबर में दोस्तों पी ए दिया, पी भी दिया गया, तो पी इंटरसेक्शन बी निकाला, पी यूनियन बी का मान निकालना है, पी इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो आप लोग को ये दोस्तों सूत्र होता है पी यूनियन बी जो होता है दोस्तों पी ए प्लस पी बी होता है, पी ए प्लस पी बी, तो देखो यहाँ पर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो सभी का मान पुटअप करेंगे तो 3/8 आया, प्लस 1/2 आ जाएगा और माइनस 1/4 आ जाएगा, यहाँ से लघुत्तम 8 आएंगे, तो यहाँ से 8 + 3 हुआ और यहाँ से 2 * 8 तो 2 * 8 तो ये आप लोग का 4 हो गए हैं और 4 * 8 2 घट गए हैं, तो 4 * 3 7 हुआ दोस्तों, 7 में से 2 जाएगा तो 5/8, 4 * 3 7 7 में से 2 गया तो 5 * 8, तो बिल्कुल डी नंबर सही है। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिया गया दोस्तों ए और बी दोस्तों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कौन सा कंडीशन सही होगा, जब दोस्तों स्वतंत्र घटना होती है तो पी यूनिट पी यूनियन दोस्तों बी होता है दोस्तों 1 - PA - PA. के गुणन के ए बराबर होता है, तो ए नंबर बी वाला स्टूडेंट बिल्कुल, चलिए चलिए तहलका मच गया यार, बिल्कुल ए नंबर ही होगा। देखो इसको हम लोग कैसे दोस्तों सोल्यूशन कर सकते हो यार, इसको क्या करेंगे झाप लेंगे, क्योंकि दोस्तों आर वन सॉरी सी वन दो दिया गया जिसमें 2 अवयव दोस्तों 0 दिया गया, देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको इसको झाप लेंगे, तो 3 को 3 को बाहर ले लेंगे, तो 7 * 14 अब -0 तो 14 * 3 = 42 आंसर इसका हो देंगे, 42 बिल्कुल बी सी नंबर ऑप्शन में देगा, तो सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए बिल्कुल इस टाइप की लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काबिलियत को रखता है। चलिए चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है यार, इसमें मान पूछा है, तो 2k हो जाएंगे, 2k बराबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, 5 * 15 तो k बराबर दोस्तों 15/2 हो जाएंगे, बिल्कुल डी नंबर ही होगा, बिल्कुल डी है, डी नंबर बिल्कुल सही है।
चलिए देखिए, आरती समारोह क्वेश्चन लगातार इसका 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x का तीन सूत्र होता है जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है यार। प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना, वहां पर सभी आप लोग का सूत्र का एनालिसिस किया गया, साथ में आप लोग को पीडीएफ भी दिया है सूत्र का टेलीग्राम पर, ठीक है ना, टेलीग्राम पर आप लोग खोजना मिल जाएगा, वहां जितना भी सूत्र था ये सभी चैप्टर का पुल कर दिए हैं, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा आरती का। ये तीन सूत्र हमेशा पूछते रहता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। चलिए चलिए 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एकांक अवयव के लिए दोस्तों आई है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो आई दोस्तों जो है किसके इक्वल हो जाएगा, आई दोस्तों बिल्कुल से बात है आई टू बराबर आई हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी रह जाएगा। चलिए 40 नंबर में देखेंगे डी आर, तो समाकलन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है 1/2 log, ऊपर दिया गया एक्स माइनस ए और नीचे दोस्तों एक प्लस में होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है एक्स बटा ए, एक्स माइनस ए बिल्कुल ए नंबर यहाँ ऑप्शन में दिया, सो डी आर ए नंबर यहाँ ऑप्शन में ही दे दिया गया, तो सोडियर अगर ए नंबर ऑप्शन लगा है तो बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों ये टाइप के सूत्रों से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप को यार फॉर्मूला को नहीं भूलना, इस टाइप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में यूज आते हैं। चले वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर कर सकते हो जो बोर्ड एग्जाम या तो कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहेंगे या तो फेल कर गए, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल तहलका मचाएंगे यार इस टाइप के क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो मैं दोस्तों विश्वास दिला तो बिल्कुल तहलका मच जाएगा यार। आप लोग देखियो, आप लोग कमेंट करके बताना डी आर, और आप लोग जो दोस्तों व्हाट्सएप टेलीग्राम या तो आप लोग मैसेज करना इस नंबर पर, सुनिए किस लिए 91 42 51 94 पीडीएफ के लिए भी प्लस में, जो स्टूडेंट कंपार्टमेंटल का एग्जाम या तो कोई भाई बहन का किसी भी अदर स्टूडेंट का अगर दोस्तों एग्जाम है कंपार्टमेंटल का इस वर्ष का 12th का, तो वो दोस्तों इस नंबर पर जरूर मैसेज करना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को दोस्तों जैसे ही एग्जाम होगा तो आप लोग क्वेश्चन सेट करना, सबसे पहले यूट्यूब पर दोस्तों आंसर की प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग जितना हो सके जल्दी मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग को आंसर की प्रोवाइड करूंगा, और मैं वहां पर आकर कहूंगा देखिए ये क्वेश्चन बोला था और आ गया, ये दोस्तों आप लोग समझना इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को कहते हैं शेयर कर दीजिए, मुझे पता आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।